Hey guys, welcome back to my channel. आज का ये वीडियो काफी खास है भाई, खास इसलिए ना guys, क्योंकि आज जो मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ भाई, मैंने ये Amazon से 5 वॉलेट्स मंगाए जिनके MRP बहुत ही ज्यादा है यार। लेकिन डोंट वरी गाइस, ये अपने को ना 500 रुपए के अंदर ही मिल रहे। और देखो गाइस, चूजिंग राइट वॉलेट या राइट एनीथिंग ऑनलाइन इज ए ग्रेट टास्क। सही बात है। होप गाइस, आज इस वीडियो में ना मैं आपको डेफिनेटली दिमाग को क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आपको 500 रुपए के अंदर कौन सा वॉलेट लेना चाहिए, आइदर फॉर गिफ्टिंग ऑफ अ सेल्फ यूज। और एक ये चीज ऐड करूंगा ना गाइस इस वीडियो में कि मैं भाई जितने भी अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूं ना भाई, इसमें से ना मिनिमम 4 रेटिंग तो इनकी है, ठीक है? मतलब मैंने काफी शॉर्ट लिस्ट करके ये वॉलेट्स मंगाए ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स के लिए बेस्ट वॉलेट लाऊं। सबसे पहले गाइस, ये हॉर्नबिल ब्रांड के वॉलेट को अपन अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे। इस वॉलेट की जो MRP है ना गाइस, 2199 की MRP है, ठीक है? आप MRP को एक बार के लिए इग्नोर ही करो, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा ना भाई, 479 रुपीज में ही मिल रहा है सिर्फ। ये वॉलेट को जब मैंने अनबॉक्स किया ना गाइस, और जब मैंने इसको हाथ में फील किया ना, तो मैं ओवरऑल जब मैं सब बाजू से इसको देख रहा था ना गाइस, तो मेरे को काफी ज्यादा ठीक लगा। मतलब ऐसा लगा गाइस, ये 479 में अगर मैं कोई प्रोडक्ट लूं तो भाई वो अपीयरेंस वाइज तो काफी ज्यादा ठीक था। इतनी ज्यादा MRP किस बात की रखी यार, तो मैंने मतलब 479 में मिल रहा है ना यार, तो मैंने जरा खोल के इसके अंदर के कंपार्टमेंट्स मैंने चेक किए, ठीक है? सबसे पहले गाइस बता दूं आपको, इस वॉलेट में ना आपको 1 2 3 4 5 6 कार्ड स्लॉट मिल जाता है, ठीक है? आइदर यू कीप डेबिट और यू कीप क्रेडिट, जितना हो सके क्रेडिट कार्ड से दूर रखो। नेक्स्ट गाइस, यू कैन चेक आउट, इस तरफ और इस तरफ है ना, दो खाचे एडिशनल दिए हुए, ठीक है? तो आप कुछ भी तो पेपर वेपर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका कुछ होता है ना, वो ताकि छुपा के रखने के लिए एकदम इमरजेंसी में, एक होता है ना इमरजेंसी फंड, अपन 500 रुपए या 100 रुपए अपन हमेशा यहाँ पे छुपा के रखते, तो वो उसके लिए 2 स्लॉट यहाँ पे दिए गए। उसके अलावा यू कैन चेक आउट, तो पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लॉट मिल जाता है। उसके अलावा इस वॉलेट में दो कैश डिपार्टमेंट मिल जाता है गाइस, एक इस तरफ और इस तरफ, ठीक है? और सबसे खास बात गाइस, इसमें जो ये स्टिचिंग वगैरह जो की है ना भाई, मेरे को काफी ज्यादा सही लगी यार, ये पूरी तरफ जो स्टिचिंग जो की है ना, काफी ज्यादा अच्छी है। और ये पीछे की तरफ एक और एडिशनल मैंने कुछ नया देखा, यहाँ पे क्या लिखा पता है, RFID प्रोटेक्शन। और ये एक्चुअली ये होता ना गाइस के रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जनरली आपने देखा होगा पता है कॉन्टैक्टलेस जो ट्रांजेक्शन जितने भी होता ना गाइस, तो वो ये चीज में उसके प्रोटेक्शन अपने को मिल जाता है, ठीक है? तो मतलब आप वॉलेट कहीं पर नजदीक से उस डिवाइस के आसपास घुमाओगे ना, तो वो अनेबल नहीं होगा बेसिकली, बिकॉज इसमें अपने को प्रोटेक्शन दिए मेरे भाई। मतलब आप समझो यार, आप लोकली भी कहीं पे जाओ तो यार 400-500 रुपए तो वॉलेट के लिए अपने को डालना ही पड़ता है, ठीक है? और ये घर बैठे अगर वॉलेट आ रहा है तो कोई खोटा नहीं है यार। हॉर्नबिल की तरफ से स्टेला वॉलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। नेक्स्ट गाइस, जिस ब्रांड के वॉलेट को अनबॉक्स करके गाइस, वो है अर्बन फॉरेस्ट वॉलेट। इस वॉलेट की MRP का ऑलमोस्ट 2000 रुपए थी यार, बस अच्छी बात ये थी चलो कि ये भी अपने को 479 रुपीज में ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है? और गाइस Amazon पर जब मैंने इस वॉलेट की रेटिंग देखी ना भाई, तो आप मानोगे भी नहीं भाई, 31,000+ रेटिंग है इसको। दैट डेफिनेटली मेड मी टू बाय दिस एंड रिव्यू इट फॉर यू यार। बॉक्स में से जैसे ही ये वॉलेट निकाल के जब मैंने हाथ में इसको फील लिया ना भाई, तो डेफिनेटली लगा यार कि हाँ यार कुछ तो बात है ये वॉलेट, मतलब ऐसे ही यार 31,000+ रेटिंग इसको नहीं मिली है। इस वॉलेट में गाइस अपने को ये 1 2 3 4 5 6 कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है? वापस बोलता हूं, क्रेडिट कार्ड से दूर रहना। उसके अलावा गाइस 1 2 और 3 ट्रांसपेरेंट सेक्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे अपन ने उस वॉलेट में देखा था ना गाइस, के बीच में कुछ खाचे की तरह ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने देखा भाई, इसमें एक जिप है, जिप जैसे अपन खोलेंगे ना गाइस, तो यहां पे इस तरफ और ये इस तरफ यहाँ पे भी 2 स्लॉट अपने को एडिशनल मिल जाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ खाचा स्लॉट। कभी भी इमरजेंसी फंड उसमें रख दिया करो 100-200 रुपए, ठीक है? तभी आपको लगे भाई मेरे पास तो कैश ही नहीं, तो भाई उस टाइम पे उसको बोलते ना हुकुम का इक्का निकाला करो भाई, ये ले ये रहे वो पैसे। उसके अलावा इसमें ना गाइस मेरे को ये बहुत सही लगा यार, ये जो बंद करके जो खोलने वाला है ना, ये वाला ये जो टिक टिक टिक, ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब इससे डेफिनेटली बात है, जो कार्ड वगैरह भी रहेंगे ना गाइस, तो वो मतलब अपन जब खोलते होते तो बहुत दफा होता है पता है गिर बैठ जाते, तो डेफिनेटली वो अपने को इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। फिर गाइस कॉइन सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? एंड अवॉइड चिलर्स। चलो गाइस कैश कंपार्टमेंट की बात करूं गाइस, तो इसमें भी जनरली 2 कैश कंपार्टमेंट ही मिल जाती है। मैंने काफी ज्यादा वॉलेट्स में देखा जनरली ये जो पीछे के होते ना, ये 2 देते ही है। और गाइस एक अच्छी बात ये थी ना ये वॉलेट की, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी रेटिंग क्यों है बेसिकली, क्योंकि इसमें एक तो डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है? डिपार्टमेंट ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेक्शन भी है, और ये एक एडिशनल जो ये दिया है ना गाइस, जब आप पिक्चर में भी देखोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा कूल लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि एकदम पावर पैक वॉलेट है। अगर स्टिचिंग देखेंगे ना गाइस इस वॉलेट की, तो भाई बहुत बाप स्टिचिंग है, ठीक है? एकदम टू द पॉइंट। नेक्स्ट गाइस, वाइल्ड हॉर्न वॉलेट को अनबॉक्स करेंगे। बेस्ट पार्ट गाइस, ये बेस्ट सेलर्स है Amazon पे इन वॉलेट कैटेगरी, आई मीन आप समझ रहे हो क्या, बेस्ट सेलर। इस वॉलेट में गाइस अपने को कार्ड सेक्शन मिलता है ना गाइस, 1 2 3 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आप समझ रहे हो क्या, 9 कार्ड स्लॉट मिल रहे। इसके अलावा गाइस 2 ट्रांसपेरेंट सेक्शन मिल जाते अपने को, इस तरफ और ये इस तरफ। अलावा कॉइन डिपार्टमेंट ये देख सकते हो, ठीक है? मैंने पहले बोला अवॉइड चिलर्स। इसके अलावा सीक्रेट डिपार्टमेंट अपन देखेंगे ना भाई, तो यहाँ पे देखो एक तो इस तरफ मिल जाता है, ये यहाँ की तरफ, ठीक है? इस वॉलेट में भी अपने को वो जिप वाला कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है? जैसे जिप अपन खोलेंगे ना गाइस, यहाँ पे दोनों तरफ सेक्शन है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जिप खोल के एक ही तरफ है, दोनों तरफ है। देखो मैं इस तरफ भी हाथ डाल सकता हूँ गाइस, और ये इस तरफ भी हाथ डाल सकता हूँ। उसके अलावा कैश कंपार्टमेंट की बात करूं गाइस, तो यहाँ पे अपने को कंपार्टमेंट AC कंपार्टमेंट या फिर सेकंड क्लास है जो भी है,
दो कैश कंपार्टमेंट मिल जाते। और गाइस के पहले वाले में भी इस तरीके का ये लॉक वाला सिस्टम जो है ना गाइस वो अपने को इसमें भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जितने भी वॉलेट्स मैंने मंगाए ना गाइस इस वीडियो में सारे के सारे जेन्युइन लेदर वॉलेट्स है। ठीक है, उसके अलावा स्टिचिंग वगैरह वाइज भी भाई स्टिचिंग वगैरह काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, मैंने आपको पता है क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, मतलब काफी हाथ लगा गया, वो प्रीमियमनेस डेफिनेटली फील होती है। ठीक है, और गाइस इस वॉलेट में भी अपने को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। वो क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मतलब कंसीडरिंग दिस वॉलेट गाइस 450 रुपए के आसपास मिल रहा है यार, अब क्या कंपनी की जान लोगे। नेक्स्ट गाइस अनबॉक्स करेंगे नापा हाइट वॉलेट। ये प्रोडक्ट गाइस जब मैंने हाथ में लेके फील किया ना गाइस, तो इसका जो बाहर का जितना भी ये मटेरियल जो लोगों ने यूज किया ना भाई, ये लेदर वाला जो ये लोग बोल रहे गाइस, तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट लगा एज कंपेयर टू अदर वॉलेट्स। ठीक है, इसके एमआरपी की बात करूं गाइस तो 1499 की एमआरपी भाई, लेकिन ये अपने को जो मिल रहा है ना सिर्फ 280 रुपए में, मतलब 280 रुपए में घर बैठे वॉलेट मंगा सकते हो गाइस, ये नापा हाइट ब्रांड का। अंदर की तरफ जब चेक किए गाइस तो यहाँ पे अपने को 3 कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सीक्रेट कंपार्टमेंट है क्या भाई? हाँ, तो यहाँ पे 2 सीक्रेट कंपार्टमेंट अपने को मिल जाता है इस तरफ और इस तरफ, जहां पे मैंने आपको बोल के रखा है भाई इमरजेंसी फंड रख दिया करो। ठीक है, उसके अलावा कॉइन सेक्शन यू कैन चेक आउट है गाइस, यहाँ पे कॉइन सेक्शन भी मिल जाता है। और लगभग मैंने ऑब्जर्व किया यार, जितने भी ब्रांड्स के मैंने ये वॉलेट मंगाया ना गाइस, सबके कॉइन सेक्शन लगभग सेम ही है। ठीक है, उसके अलावा गाइस इसमें ना 2 कैश डिपार्टमेंट अपने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरफ बेसिकली सब में यार वही सब में है। ठीक है, बेसिकली तो आप टेंशन मतलब वॉलेट खरीदते वक्त बेसिकली। ठीक है, और एक चीज तुम क्या देखेंगे पता है क्या, जो ये मटेरियल जो फील है ना भाई, देखो 279 रुपीज में मिल रहा है, अंडरस्टैंड दैट, बट मैं आपको यही बोलूंगा यार इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फॉर 279 ये ना, चलो इसका वर्दिक में लास्ट में आपको बताऊंगा कौन सा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस जो अनबॉक्स करेंगे उस ब्रांड का नाम है अल फैसिनो। इस वॉलेट में जब मैंने बॉक्स से निकाला ना भाई, तो आप मानो मेरी बात, जो ऊपर की जो मतलब जो कलाकारी थी ना इस वॉलेट की भाई, वो काफी आकर्षक थी। आकर्षक मतलब बोलते बहुत अट्रैक्टिव थी, मतलब मेरी नजरों को उसने काफी आकर्षित किया। इस वॉलेट की जो एमआरपी ऑलमोस्ट 3000 रुपए, आप समझ रहे मेरी बात, 3000 रुपए। लेकिन गुड थिंग है कि ये अपने को जो वॉलेट है ना भाई 470 रुपीज के आसपास ऑनलाइन मिल रहा है। मतलब मेरे को डेफिनेटली एक चीज समझ में नहीं आ रही यार, कि इन सारे वॉलेट्स की एमआरपी इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड क्यों है यार, मतलब सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है यार, कि इतने एमआरपी रखो ही मत ना यार। अब एक चीज में साफ बात करूं इन सारे वॉलेट्स को लेके गाइस, अगर ये एमआरपी अगर 2500-3000 हो तो क्या मैं वॉलेट लूंगा? क्या मैं डेफिनेट नहीं लूंगा यार। खाली मतलब बोलते ना एक वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, कितना ज्यादा डिस्काउंट देके कोई भी चीज बेचने के लिए। कार्ड स्लॉट्स की बात करूं गाइस इस वॉलेट की ना, यहाँ पे अपने को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एक ये ट्रांसपेरेंट स्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये बोलते हैं ना वो गुप्त सेक्शन, इसमें एक गुप्त सेक्शन भी अपने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस 2 कैश स्लॉट्स भी इसमें मिल जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और गाइस एकदम मतलब बोलते हैं ना खोलते ही खत्म, मतलब एकदम सिंपल और सोबर लग रहा है। ठीक है, मतलब बाहर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अंदर से एकदम सिंपल एंड सोबर। मुझे ये वॉलेट देखिए ये लगता है ना गाइस, कोई भी जो यंग जनरेशन वाला बंदा होगा ना, उसको ये वॉलेट डेफिनेटली दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे और डेफिनेटली उसको पसंद भी आए। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन इस वॉलेट में भी अपने को देखने मिल जाती है। एक जो चीज नहीं है इसमें पता है क्या, आपको कॉइन सेक्शन इसमें नहीं है। ठीक है, मटेरियल वाइज ओके है, लेकिन कॉइन सेक्शन की अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो तो वही से कंसीडर करना। लेकिन आपको लगता है चिल्लर रखने भी जरूरी है तो भाई फिर आपका वो रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल नहीं होगी। कंसिडरिंग एज ऑल दिस वॉलेट ना, मैं साफ बात करूंगा, मेरे को जो सबसे सही लगे ना भाई ये जो तामझाम वाले ना, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सेक्शन है, ये वाला वॉलेट और एक ये वाला वॉलेट, ये दो वॉलेट मेरे को काफी ज्यादा सही लगे। ठीक है, बिकॉज इसमें डिपार्टमेंट्स काफी ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट ज्यादा होने से अपने को साइकोलॉजिकली भी ऐसा लगता है भाई इसमें मैं बहुत सारी चीजें रख सकता हूँ। उसके अलावा अगर कॉइन सेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए गाइस, तो आप ये जो अल हबीबी अल फ्रांसिस्को क्या नाम है इसका ब्रांड का यार, अल फैसिनो ब्रांड के वॉलेट को भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये 3 वॉलेट में से आप कोई भी लो बिंदास, ठीक है, आपको डेफिनेटली पसंद है। डू कमेंट ऑन दिस वीडियो यार कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो गाइस कि मैं इसी तरीके से और भी अलग अलग चीजें लाके मेरे चैनल पर रिव्यू और अनबॉक्स करूं गाइस, डू लेट मी नो योर आंसर इन दिस कमेंट सेक्शन। डू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो कि प्लान कर रहा है कि उसको वॉलेट खरीदना है, या फिर वो ये प्लान कर रहा है कि भाई मेरे को किसी को वॉलेट गिफ्ट करना है, और अगर वो कंफ्यूज है चूजिंग बिटवीन द राइट वॉलेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।